हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेवल प्लानिंग विच आर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन। ओके, द सपोज आई एम रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस, अ न्यू वेंचर, फॉर माई कम्प्लीशन ऑफ माई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आई हैव टू मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी। तो मुझे स्ट्रेटेजी बनानी होगी, स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो उससे पहले मैं प्लानिंग करूंगा, डिसीजन मेकिंग करूंगा, ताकि मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करूं, इम्प्लीमेंट करूं और अपने उसको अप्लाई करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बात कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो बात कर लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन, विजन एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेटेजिक इंटेंट की। यू हैव टू फॉर्मुलेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले आप क्या प्लान करोगे, आप अपने बिजनेस के मिशन ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि भाई हम कहाँ हैं, किस तरीके से हमें आगे जाना है, क्या हमारा अल्टीमेट गोल है, वो है आपका फर्स्ट लेवल फर्स्ट प्लानिंग का। ठीक है, सेकंड हम बात करें एनवायरनमेंट एनालिसिस। फिर आपने क्या करा, एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया। एनवायरनमेंट एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल बोथ ऑफ द एनवायरनमेंट यू हैव टू एनालाइज। इंटरनली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर करंट पोजिशन एंड योर एक्सपेक्टेड पोजिशन, वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू, यू हैव टू क्लैरिफाई योर सेल्फ वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो वहाँ पे हम एनवायरनमेंट एनालिसिस के थ्रू अपने इन्फो करंट पोजिशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गैदर फॉर मेकिंग अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी। तो आपने एनवायरनमेंट एनालिसिस करके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट, सारी चीज़ों को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो वो था आपका सेकेंड लेवल एनवायरनमेंट एनालिसिस। उसके बाद जो थर्ड है वो है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं उन रिसोर्सेज की जो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उन सारे रिसोर्स को क्या कर लोगे, जो आपके पास अवेलेबल है उनको गैदर कर लोगे और उसके हिसाब से अपने लिए प्लानिंग करोगे और स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। भाई अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है मैं उनके हिसाब से काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे मैंने एकदम से नई मशीन को परचेज कर लिया, नया सेटअप कर लिया, एक तरीके से मतलब कि एक बड़ा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा, नहीं। जिस तरीके से जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं के हिसाब से उनको ही ऑप्टिमम यूज करते हुए हमने क्या करा, एक नई स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करा। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्स की बात करें, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, हर चीज को प्रॉपरली हम एग्जामिन कर रहे हैं कि कितना ऑप्टिमम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा थर्ड लेवल था ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इन द फोर्थ वन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स निकल के आए हैं उनको कंसीडर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, भाई मेरी ये पोजीशन है और मेरी इस पोजीशन के हिसाब से मेरे पास चार एरिया हैं, अब मुझे किस एरिया में जाना चाहिए, इट इज डिपेंड ऑन मी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। आप उन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करोगे जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने बात करी। उसके बाद है चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, फिर आप क्या करोगे, चॉइस यानी कि एक स्ट्रेटेजी को चॉइस कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, जिसको भी जो भी आपको लग रही है कि हाँ इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बहुत अच्छे आगे से परफॉर्म कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशनल चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। उसके बाद हमने क्या करा, जब स्ट्रेटेजी को चॉइस कर लिया यानी कि फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रेटेजी मैं आगे वाले टाइम में यूज करने वाला हूँ, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे।
हर एक फंक्शंस में, हर एक टास्क में आपने क्या करा, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो वो आपका क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्लस स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करोगे, उस स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, जो कि हमारा पार्ट है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, कि भाई जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, जो भी हमने प्लानिंग करी है, उसके हिसाब से हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने बात करी कि भाई मेरी ये प्लानिंग है, ठीक है, और मेरा ये, मैंने ये अपने लिए डिसीजंस लिए, अब मैं इस हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। आप उस चीज़ को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करोगे, अगर आपको लग रहा है कहीं मॉडिफिकेशन चेंजेस की रिक्वायरमेंट, तो आप उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल भी करते रहोगे। ठीक है, यानी कि जो भी आपने अपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी है अपनी प्लानिंग के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर कहीं 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 पे भी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इमीडिएटली यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड कंट्रोल यूर दैट लूज फंक्शंस। ओके, तो ये था डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंट लेवल प्लानिंग के बारे में हमने ये डिस्कशन किया। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बता दूं तो क्या है, डिसीजन एंड एक्शन, यू हैव टू मेक डिसीजन, यू हैव टू मेक अ बिजनेस प्लान, यू हैव टू टेक एन एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, वेल मैनर्स में अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। और डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो क्या हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात भी कर सकते हैं, एनवायरमेंट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू मेक अ बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से प्रोसेस तरीके से पूछा जाता है, बट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो प्रोसेस में आप ये सारे पॉइंट ही लिख के आओगे, प्रॉपरली इन पॉइंट को कंसीडर करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट डायरेक्ट लिख दिए हैं, आपको क्या करना है, एक प्रोसेस बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, उसमें इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग एरो वाइज लिखना है कि भाई हमारा पहला स्टेप ये है, फर्स्ट लेवल ये है, फिर सेकंड लेवल पे आप सेकंड के बारे में लिखोगे, थर्ड के बारे में लिखोगे, इस तरीके से ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पोर्शन यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।